ये अग्रसेन की बावली क्यों लग रही है भैया? ऊपर हालत खराब हो गई है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, चला भी नहीं जा रहा है। क्या बताएं, खाने पीने में मिलना तो ज्यादा अच्छा है, कुछ मिला ही नहीं। गलती हमारी है, हम कुछ लेके ही नहीं आए। चलिए यहाँ हवा तो मिल रही है कम से कम खाने पीने को, तो हवा ही खा लेना थोड़ी। हाँ तो देखिए, ये है हुमायूं का मकबरा जिसको आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, बहुत ही बड़ा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ये आपके आगे की वीडियो में इनसे पता चलेगा। तो चलिए आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? तो भैया कैमरा हो गया है यहाँ बंद, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हमारा हालत हो गया है खराब। हमको लग रही है भूख, यहाँ पे ना हमको कोई कैंटीन दिख रहा है ना कहीं पानी दिख रहा है, बड़ी समस्या आ गई है। बैग में पानी का बोतल था लेकिन वो भी खाली हो गया है। सर पे इतनी धूप है कि हालत ख़राब है, कम से पसीना बोझ बोझ के चश्मा लगाए हुए हैं थोड़ी आँखों को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी कोई नहीं, यहाँ आके थोड़ी हवा ताजगी एकदम महसूस अच्छा हो रहा है। आप भी आ सकते हैं, बस लेके आइएगा कुछ खाने पीने के लिए। और ये देखिए आप जो देख पा रहे हैं हम आपको, पूरा हुमायूं का मकबरा है। यहाँ पे शरीर, हुमायूं का शरीर दो भागों में बांट के रखा गया है, एक इधर में दफनाया गया है एक उधर में दफनाया गया है, तो हम आगे दिखाएंगे आपको। तो अभी चलते हैं, इतना ही पहले शेयर कराते हैं आप। तो भैया जी कुछ बताना चाहेंगे? और क्या बताएं, इतना बड़ा प्रॉपर्टी छोड़ गया हमारे लिए 40 रुपया में, इतना 6 घंटा 7 घंटा जितना एंजॉय करना है करिए, साला इंडियन होके फायदा ना उठाए तो क्या, हमारे इंडियन होने का फायदा क्या का है? इंडियन होके का फायदा है, ऐसा हमको भी बताइए, का स्पेशल फायदा है? घूम रहे हैं 40 रुपया में, मात्र 40 रुपया में। यही देखिए फॉरनर लोग आ रहा है वहाँ पे, साला 600 700 700 रुपए का टिकट लग रहा है। अच्छा, और हमारे देखो 40 रुपया, मात्र 40 रुपया में पूरा हुमायूं का मकबरा अपना है। साला जहाँ मर्जी घुसना है घुस जाइए, हाँ लेकिन कहीं और ताला लगा हुआ है, कहीं और मत घुस जाइएगा, ताला लगा हुआ है वहाँ नहीं घुस सकते हैं। यहाँ इसमें देखते हैं क्या है, गुफा सी लग रही है अंदर, खजाना वजाना दिखते शायद थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी, इसमें कुछ नहीं है। अरे इसमें सिक्के हैं भाई, खजाने तो हैं इसमें, इसमें लग रहा है मन्नत मांग रहे। पता है साला चिंदी वाले लोग होंगे ना, मैग्नेट लेके आएंगे बांध के, अरे निकालेंगे सारा, वही करेंगे साला। अगली बार हम मैग्नेट लेकर आएंगे, चुंबक चुंबक लेके अमीर बन जाएगा साला, हम करोड़पति यार। बढ़िया है, ये सब क्या है यार, यहाँ पे समाधि बनी हुई। चलो बोलते चलो, समाधि बनी हुई है ये तो लग तो रहा है, समाधि बनी हुई है भाई कहीं भी, लग रहा है पता नहीं क्या दफना दिया गया है। एक तो मुझे आधा आधा दिख रहा है यार इसमें भाई। यहाँ आइए लेकिन कचरा वचरा मत करिए, यहाँ आइए एंजॉय करिए चुपचाप। हाँ एंजॉय के नाम, एंजॉय के नाम पे कुछ और नहीं, सिर्फ एंजॉय, एंजॉय करना होता है, फोटो खिंचवाओ अपना घूमो फिरो। ये सारा ये देख के कोने में कहा रहा है, तो ऐसे चीजों पे फोकस रखना पड़ता है साला, बच के रहिए यार। क्या है यार तुम घूमने फिरने आए हो यार, ये सब करने के लिए यार तुम ओयो जाओ यार, क्या यार यहाँ यार तुम भी ओयो जाओ यार, ओयो बनाओ 500 1000 रुपये मस्त अपना एंजॉय करिए यार, जो खाना पीना आराम से करिए यहाँ तुम पब्लिक प्लेस में यार, क्या जहाँ देखिए शुरू हो जाते हैं ये फैमिली जगह जगह देखा नहीं कि शुरू हो गए भाई साहब। अंदर चलो ना यार, अंदर भी कहते इसको दिखाइए थोड़ा सा, पूरा दिखाइए इसको, तो देखिए पूरा देखिए, ये कुछ ऐसा है, देख रहा भैया जी? चलिए चलिए आपको अंदर ले चलते हैं, चलो ना, यहाँ से रास्ता बंद है, हो रहा ना, हो रहा है यहाँ से, हो रहा ना तो भाई। अच्छा भाई साहब, भाई साहब, हाँ
तो भैया जी क्या दिखा आपको यहाँ? भाई जो दिखा वो बयान नहीं कर सकते। हाँ तो आप कुछ कह रहे थे भैया जी, बताइए। भाई इतनी बड़ी जगह में, ये जगह तो पहले देख लीजिए, ये देखिए इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पे सिर्फ दो कसम आती है, और साला रहने के लिए लोगों को घर नहीं है, लेकिन समाधि के लिए इतना बड़ा बड़ा स्थल है। देखिए देखिए, अब क्या बोले, ये ही हमारी विडम्बना है कि हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ पूछ सकते।